कैसे मैक बचाएगा धरती को स्पेस डेब्री से। अगर कुछ नहीं बदलता है तो ये काफ़ी है। संभव है कि आगे के 30 सालों की अंतरिक्ष उड़ानें बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएंगी या बिल्कुल बंद हो जाएंगी। स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम जितनी दिखती है उससे ज़्यादा सीरियस है। स्पेस डेब्रिस उन चीज़ों का मलबा है, उन चीज़ों का मलबा वहीं रह जाता है जैसे स्पेस क्राफ्ट सैटेलाइट्स का। इसके बावजूद ही यह कबाड़ वहाँ 17,500 किलोमीटर की रफ्तार से घूमता है, जो कि 27.5 गुना तेज है किसी बुलेट से। और यह पैसे जैसे साइज का, सिक्के जैसे साइज का ये स्पेस जंक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकराता है। ज़रा सोचिए कि ये पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं और स्पेस में 2,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रही हैं, और हिसाब लाकर देखें तो वहाँ 5,00,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट मौजूद हैं। कैसलर सिंड्रोम को भूलना जाएं, ये एक ऐसा नज़ारा है जिसमें ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टकराते रहते हैं और एक वाटरफॉल बनाते हैं। एक टकराव स्पेस डेब्रिस का निर्माण करता है, उसी एक टुकड़े से हज़ारों टुकड़े बनते हैं और वो हज़ारों टुकड़े 10,000 टुकड़ों से टकराते हैं, वहीं से ये निर्माण शुरू हो जाता है। ये किसी डोमिनो की तरह है, जैसे एक डोमिनो गिरता है तो दूसरा गिरता है, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथे को। आपने ग्रेविटी मूवी तो देखी होगी जिसमें ये चीज़ दिखाई गई है। मूवी के डायरेक्टर ने भी इंसानों को फिल्म के जरिए दिखाया है कि स्पेस डेब्रिस से निपटना बहुत ही मुश्किल है जब तक हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस ना हो। हाय, मैं एलेक्सेंको, मैं मायक के इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ। और भी देशों के वैज्ञानिक इस स्पेस डेब्रिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने भी डेब्रिस प्रिवेंशन सिस्टम तैयार किया है, ये हमारी टीम ने बनाया है ताकि हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम मयक है, एक माइक्रो सैटेलाइट है जो कि 2014 में काम करना शुरू करी है और इसको 2016 में गर्मियों में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका जब मिशन कंप्लीट हो जाएगा, काम हो जाएगा, स्पेस में ये नहीं रहेगा और इसको वहीं ख़त्म होना पड़ेगा। ये अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर कर जाएगा। एक इसमें स्पेशल पिरामिड ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा ये काम कैसे करता है और ये मयक को कैसे सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार बनेगा रात में। एक्सप्लेन करूंगा ये कहां से अच्छा लगता है। इसका ब्रेकिंग सिस्टम एक डेलिकेट फिल्म से बना हुआ है जो कि 20 गुना पतली है किसी इंसान के बाल से, और इसके ऊपर कोटिंग भी करी गई है एल्यूमिनियम की बहुत ही पतली लेयर से। और इसकी ब्रेकिंग सिस्टम की फिल्म पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट से बनी हुई है, जिसका मतलब प्लास्टिक जैसे पीईटी कहते हैं, पीईटी प्लास्टिक बोतल्स प्लास्टिक की बनी होती है, प्लास्टिक बबल से रैप किया जाएगा जो कि लाभदायक होता है। सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचने से पहले पिरामिड को अच्छी तरह से पैक किया जाता है। ये ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और ये खुद ब खुद इसकी पैकिंग हट जाएगी, डिजाइन अपनी शेप ले सकेगा। मयक कैसे मदद करेगा स्पेस डेब्रिस को कम करने में? स्पेस एक एयरलेस वैक्यूम है जहाँ बिल्कुल हवा नहीं है, पर ये सच नहीं है बिल्कुल। पृथ्वी के ऊपर 100 किलोमीटर ऊपर और वहाँ बहुत ही कम मात्रा में हवा मौजूद है। जिस तरह सोवियत यूनियन का मीर स्टेशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करके जल गया, स्पेस डेब्रिस की वजह से वो अपनी ऑर्बिट से हट गया था। स्पेस डेब्रिस क्लाउड की एक अपनी ही चमक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसको करेक्ट करने में लगा है और वो सैटेलाइट्स की ऑर्बिट को ठीक करता है। पिछले महीने भी उसने काफ़ी सैटेलाइट्स की ऑर्बिट को ठीक किया है ताकि वो टकराव को रोक सके, जो कोलाइजन होता है सैटेलाइट्स, तब सैटेलाइट को खिसका दिया जाएगा एटमॉस्फेयर में। एग्जांपल के लिए एक सैटेलाइट को 10 साल लग जाएंगे 45,000 किलोमीटर की ऊंचाई से हटने के लिए, पर सब कुछ बदल सकता है जब सैटेलाइट के पास खुलने वाला पैराशूट होगा जिससे सैटेलाइट एक पंख की तरह हल्की हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में एंटर करते हुए उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और जल जाएगी। मयक का सोलर रिफ्लेक्टर इस तरह बनाया, मयक का सोलर रिफ्लेक्टर इसी तरह का है। पैराशूट के बिना यह सैटेलाइट को कई सालों तक ऑर्बिट में रख सकता है और दूसरे स्पेसक्राफ्ट के रास्ते में आता रहेगा। उसी तरह एक लड़का थक गया है पर जबरदस्ती नाच रहा है, मयक सैटेलाइट का पिरामिड सनरेज को रिफ्लेक्ट करेगा और सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार बन जाएगा आसमान में। यह एक सपना है, ज़रा इमेजिन करें कि खुद का बना हुआ स्टार देख सकेंगे। हम लोग रिफ्लेक्टर बना रहे हैं एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन पिरामिड जिसका एक किनारा यानी कि एक बाउंड्री 9 फीट लंबी होगी। कुछ लोग अपनी बात रख रहे हैं कि स्पेयर साइज सैटेलाइट के लिए अच्छा होगा,
हम जानते हैं कि चमकने वाला क्रिसमस ऑर्नामेंट भी स्पेयर साइज के होते हैं, जो कि कोटेड होते हैं सिल्वर सॉल्यूशन से। यह आइडिया बिल्कुल अलग है परफेक्ट बनने से। क्रिसमस ऑर्नामेंट्स हर डायरेक्शन में से देखे जा सकते हैं, हर एंगल्स में से देखे जा सकते हैं। ये एक सेंस बनते हैं कि यह वाली स्पेस सकते हैं। इस स्पेस में हमारा महक एक बेरंग जगह पर होगा, पर इसे देखने वाली ऑडियंस तो नीचे है धरती पर। रिफ्लेक्टर को डायरेक्शन देखना होगा और ये सूरज की रोशनी को एक ही दिशा में रिफ्लेक्ट करे और इसकी शेडो को भी सही जगह बने अर्थ पर। दूसरा आइडिया है कि रिफ्लेक्टर को शानदार गोल्ड डिस्क बनाने की, जो भी हो क्रंचिंग नंबर करने के बाद होता है, मतलब कि कैलकुलेशन स्टैटिक्स और डाटा को किसी सिस्टम में डाला जाता है जिससे वो काम कर सके। जैसे कि मैक काम करेगा ऑटोमेटिक, हमने महसूस किया है जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो ज़्यादा फोकस के साथ होगी जिससे वो एक स्पॉट पर पहुँच सके। अंत में हमने फैसला किया है रिफ्लेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा किनारे बना देने चाहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा सनरेज को बिखेर सके। इसके लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो उन धरती के एरियाज को कैलकुलेट करेगा जहाँ से सैटेलाइट को देखा जा सकता है, और यह भी चेक करेगा कि ये सैटेलाइट कौन कौन से इलाकों में से ज़्यादा चमकेगी। देखने वालों के लिए हमने इसमें बहुत से सारी शेप्स ढूंढी हैं इस प्रोग्राम के लिए, जैसे कि एक फ्लैट किनारों वाला रेगुलर साइज पिरामिड और एक आएगा हेड्रॉन। एक और ज़रूरी चीज़ रिफ्लेक्टर के लिए नए प्लान बनाया है कि पिरामिड के किनारों को 9 फुट लंबा रखने का है, जिससे ये फ़ायदा होगा कि मैक को अलग अलग जगह से ऑब्जर्व किया जा सकेगा। इसका मैग्नीट्यूड सेट करेंगे 1 किलोमीटर से लेके 725 किलोमीटर तक। इसकी ऊंचाई सेट की जाएगी जो कि कॉमन एल्टीट्यूड होगी, सन सिंक्रोनस एल्टीट्यूड पर सेट करेंगे। इस एल्टीट्यूड पर इसलिए सेट किया जाएगा ताकि ये तस्वीरें खींच सके, और वेदर सैटेलाइट्स की भी पोजीशन यहीं पे होती है। सारी कैलकुलेशंस ने भी प्रॉमिस किया है कि फोल्ड हुआ पिरामिड, इसका हरेक किनारा 23 फुट का है, वो एक 4x4 क्यूब में फिट हो जाएगा। पर जब इसका प्रोटोटाइप खुल जाएगा, मतलब कि पिरामिड की फिल्म, तो 3.5 गुना जगह ले लेगी। इतना हम हिसाब लगाकर चल रहे हैं कि ये इस तरह हुआ कि छुट्टियों में जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं पर कुछ भी फिट नहीं हो पा रहा है। पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब पिरामिड के हर एक किनारे को 9 फुट तक बंद रखेंगे। हमने रिसर्च की है कि ज़्यादा मात्रा में डिप्लॉयमेंट सिस्टम लगेंगे, मतलब कि छोटे उपकरण तैनात किए जाएंगे रिफ्लेक्टर के लिए। अलग अलग बुक्स भी लिखी गई हैं इस सिस्टम पर, अभी भी थोड़ा बहुत शक है, इसके ज़्यादा सोलर फैंस नहीं लग पाएंगे। पर इसका सॉल्यूशन ढूंढा है, अमोनियम कार्बोनेट को बेकर्स अमोनिया के नाम से जाना जाता है। ये फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जब इसको गर्म किया जाता है ये सफ़ेद पाउडर बन जाता है, मतलब वाटर अमोनिया बन जाता है CO2 के साथ। हमने प्लान किया है गैसेस को इसे फुला दिया जाएगा जिससे ये एक्सपेंड कर देगा, मतलब कि और चौड़ा हो जाएगा। पिरामिड पर हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। जब ये स्ट्रक्चर अनफोल्ड हो जाएगा, इसके लिए एक रिएक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी जो रिएक्शन करेगा, अच्छा तो रहेगा। पर रिएक्शन के बाद इसमें अमोनियम की बूंदें रह जाएंगी और थोड़े समय बाद पिरामिड में हवा निकल जाएगी जिससे चीज़ें और भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगी, बुरी हो जाएंगी, जो होनी नहीं चाहिए। जब इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो अमोनियम दोबारा से पाउडर बन जाएगा और प्रेशर नहीं रहेगा जिसकी वजह से पिरामिड सिकुड़ जाएगा। पर अभी हमारे पास प्लान भी है, एयर स्पेस इंडस्ट्री इलास्टिक एलिमेंट का इस्तेमाल करेगी और उस पर एंटीनास को तैनात करेंगे और एंटीनास बिल्कुल स्थिर रहेंगे अपनी जगह पर इस जगह रूलर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन रूलर्स की नहीं, ये 9 फुट के रूलर्स रिफ्लेक्टर को खोल सकेंगे। ये इतना आसान नहीं होगा कि छोटी सी सैटेलाइट में 4x4 इंच की जगह में सबको सेट करना, पर हमको शुरुआत में बेटर ऑप्शन मिल सकता था सैटेलाइट को बनाते वक्त, क्योंकि पिनोमेट्रिक स्ट्रक्चर हवा वाली वाला उपकरण वो ज़्यादा ही छोटा है जिस वजह से ये कम जगह घेरता है, जिस वजह से एक बिग साइज का रिफ्लेक्टर पैक किया जा सकता है। ये छोटी सी मशीन में हमने अभी अपनी प्रोडक्शन यूनिट लगा दी है और ये रेडी हो जाएगा ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। 2016 के बीच में हमारी सैटेलाइट कुछ ही माइक्रो सैटेलाइट्स में से एक होगी जो बहुत कम चमकती हैं, जैसे कैनोपस VIK की तरह। और आप इस प्रोजेक्ट को किक स्टार्टर पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं और इस ऑपरेशन का पार्ट बन सकते हैं ताकि आप अपने प्लैनेट को बचा सकें स्पेस डेब्रिस के क्लाउड से। भगवान करे स्पेस आपके साथ हमेशा रहे।